हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने गार्डन के दूसरे भाग की रिव्यू दिखाने वाली हूँ। इधर मैंने ठंड के पौधों को रख दिया है और कुछ जरबेराज को भी रख दिया है, क्योंकि इनको ज़्यादा धूप में रखना ठीक नहीं है। इसलिए इधर थोड़ी देर के बाद शेड हो जाता है, इसलिए मैंने इस तरफ रख दिया है दीवार के सहारे। थोड़ी हवा भी इधर कम लगती है। ये सारे मेरे विंटर के फ्लावर्स जो अभी भी ब्लूम कर रहे हैं, उसे मुझे निकालना उचित नहीं लगा, इसलिए मैंने अभी रहने दिया है। और डॉग फ्लावर तो फिर से काफ़ी ब्लूम पे हैं। ये मेरा न्यू कलर है जरबेरा का, ये भी काफ़ी सुंदर है। धीरे धीरे करके सब जरबेरा खिलने लगे हैं। ये स्टॉक फ्लावर फिर से ब्लूम कर रहा है। ये मेरा रैबिट प्लांटर है जिसमें डाइंथस लगा हुआ है। तो इधर मैंने सारे जरबेराज, बिगोनिया, जिसको कम धूप की ज़रूरत है, इधर मैंने शिफ्ट किया है। ये मेरा हाइड्रेजिया का प्लांट अब धीरे धीरे फूल ब्लूम पे आ रहा है। ये बहुत ही खूबसूरत हो गया है। इसमें ढेर सारे बंचेज निकले हैं जो बहुत ही बढ़िया है। और इधर मांडेविला के प्लांट मैंने 2-3 रखे हैं। इसे भी ज़्यादा धूप देने से दिक्कत होती है, ख़राब होने लगते हैं पौधे और ब्लूमिंग कम हो जाती है, इसलिए भी मैंने इसको इधर रखा है। और इधर मेरा मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट है। इस तरह से मैंने इन पौधों को शेड में शिफ्ट कर दिया। धीरे धीरे इसकी ब्लूमिंग होती रहेगी और गार्डन में कुछ नया ऐड होता रहेगा। और ये जरबेरा रेड कलर का, ये अभी भी फूल ब्लूम पे है। और इधर की ओर आए तो मेरी पिटूनिया भी अब धीरे धीरे गुड बाय कह रही है। अब इसके सीड कलेक्ट करने के लिए मैंने पिंचिंग करना भी छोड़ दिया है, ताकि कुछ सीड्स बन सकें जो अगले साल मैं यूज़ कर सकूं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ये भी लिखिएगा कि कैसी लगी, और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी कहें। और अगर गार्डनिंग रिलेटेड आपको टिप्स चाहिए तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लें। तो इधर की ओर आए तो पैंसी भी मेरा धीरे धीरे ख़त्म होने की ओर है। कुछ ब्लूम्स अभी भी बाकी हैं, वो हो रही है। और इधर ये फ्लावर का तो कहना ही क्या, गजानिया का अभी भी फूल ब्लूम पे है। कई सारी कलियां आ रही हैं और कई सारे फूल खिल रहे हैं। ये तो पूरी गर्मियों में खिलते रहते हैं इन्हें। और इधर डायंथस भी अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन मैं कुछ पौधों को सेव करना चाहती हूँ, देखती हूँ होता है कि नहीं। ये साल्विया और ये फिर गजानिया के पौधे, कुछ फेड हो गए हैं, उसे मैंने तोड़ दिया है। और इधर मैंने एक क्लीमेटिक्स का पौधा रखा है इस साइड। और इधर ये मैंने जिसे प्रून किया था, जिन पेरेनियल प्लांट्स को, वो अभी धीरे धीरे ब्लूम होने लगे हैं और नए फुटाव आने लगे हैं इन पे। इधर देखिए कलियां आ गई हैं। और कुछ ये कनेर का पौधा ब्लूम भी होने लगा है। और इधर देखिए ये जेट्रोफा का प्लांट, छोटे छोटे रेड कलर में, बहुत ही खूबसूरत है। ये पूरा पेरेनियल पार्ट का सेक्शन है। और ये पुराने सदाबहार जो पिछले साल के हैं, वो भी फूल ब्लूम पे हैं। 2 कलर है मेरे पास। ये सदाबहार देसी है और एक और है वाइट कलर का, थोड़ा पीच कलर का है, वो भी फूल ब्लूम पे है। इधर देखिए ये वाला। और ये बोली का प्लांट भी खिलने लगा है। ये मेरा देसी हिबिस्कस, अब बहुत सारी ब्लूम होता है इसमें, और मेरे पूजा के फूल के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसीलिए मैंने इसे 2 पौधे लगाए हैं, ताकि कभी फूलों की कमी ना हो। फिर भी ठंड में जब ये डोरमेंसी में चले जाते हैं तो मुझे फूलों की कमी हो जाती है। और इधर एक हॉली हॉक का पौधा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मेरे वीडियो कंप्लीट हो गई है, और इसी के साथ मैं वीडियो से ले रही हूँ विदा। और बाय बाय मेरे फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।